नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दिल्ली का लाल किला अपनी खास पहचान रखता है। इस किले का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है जब यहाँ से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। लाल किले से फहराया गया तिरंगा देश की गौरव गाथा गाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन तिरंगे को हर साल इसी किले से फहराते हुए देखने पर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि तिरंगा हमेशा लाल किले से ही क्यों फहराया जाता है, जबकि ऐसी बहुत सी महान इमारतें इस देश का गौरव बढ़ा रही हैं। ऐसे में इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी प्रार्थना स्वीकार करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको होती रहे और ये सब बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, लाल किला ऐसी इमारत है जो मुगल काल से लेकर आज़ादी के दौर तक की बड़ी घटनाओं की गवाह रही है। इस ऐतिहासिक इमारत की बुनियाद 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने रखवाई थी। इस इमारत के निर्माण में 9 साल का समय लगा। इस किले का रंग हमेशा से लाल नहीं था, बल्कि इसे निर्माण के समय में किला लाल और सफेद रंग में बनवाया गया, जो शाहजहां के पसंदीदा रंग थे। उस समय इस किले का नाम किला ए मुबारक रखा गया था। इस समय बीतने के साथ साथ किला अपनी चमक खोने लगा, इसलिए अंग्रेजों के शासनकाल में इस पर लाल रंग का करवाया गया और तब से इस किले का नाम लाल किला रखा गया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर जुलम ढहाने के लिए इस किले के कई हिस्से जमींदोज करके वहां सेना की बैठकें और दफ्तर बना दिए थे। अंग्रेजों ने इस किले में मुगल साम्राज्य के आखिरी बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया था, जो आखिरी मुगल बादशाह थे। मुगल संतलन के शासनकाल से लेकर ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव को करीबी से देखने वाले इस लाल किले ने भारत देश के बहुत से अच्छे और बुरे घटनाओं को देखा, इसलिए आज़ाद भारत की शान तिरंगे को फहराने के लिए इसका चुनाव किया गया। भारत की आज़ादी के बाद लाल किले की प्राचीर से सबसे ज़्यादा 17 बार तिरंगा फहराने का सौभाग्य भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। उम्मीद है तिरंगा लाल किले से ही क्यों फहराया जाता है कि जानकारी बताने वाली और आपका ज्ञान बढ़ाने वाली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।